तो गाइज आपके भाई की लग गई है 25 लाख की लॉटरी, तो आइए आप लोग को भी दिखाते हैं। पे देखिए जो मैंने उसको पासबुक भेजा था उस पे ये देखिए कस्टमर नेम लिख के आ रहा है आदर्श यादव, और अकाउंट नंबर जो भी मैंने डाला था 55 64 78 वगैरह ये वो, और बाकी सिग्नेचर वगैरह करके उसने फाइल वगैरह लगा दिया। हेलो गाइज, स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में, और मेरे गाइज फेस पे इतनी ज्यादा मुस्कान है तो आप लोग समझ ही सकते हैं, टाइटल और थंबनेल आपने देखा ही होगा। तो जी हाँ गाइज, मैं सो के उठा और जैसे ही फोन चेक कर रहा था तो मेरे व्हाट्सएप पे ना 25 लाख की लॉटरी लगी थी, तो मैं सोचा वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आइए अभी देखते हैं कि मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूं, वो वाला जो वीडियो मैं प्राप्त किया था मतलब अपने व्हाट्सएप पे, तो वो ये वाला वीडियो था, ये सुनिए आप लोग। अंजलि शर्मा बात कर रही, शुरू से आप लोग पहले सुनिए। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ, कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। तो गाइस मेरा भी हो गया है। व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आपका लॉटरी का पैसा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुका है। तो गाइस मैम क्या बोल रही है कि मेरा जो मतलब लॉटरी का पैसा है 25 लाख, वो SBI बैंक में मतलब कि भेज दिया गया है। अब मुझे व्हाट्सएप करके और ये लॉटरी नंबर बताना होगा जो कि 55 66 है, तो मुझे वो लॉटरी का पैसा मिल जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा कोई SBI का खाता ही नहीं है, और ये मैडम बोल रही है कि SBI में मतलब ट्रांसफ़र हो गया है। तो पहले मैं इस नंबर को सेव करता हूँ, ये नंबर है 9742328911, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि कौन मेरे से बात करता है। तो चलो फटाफट से पहले मैं इस नंबर को सेव कर लेता हूँ, 9742। तो गाइज मैंने सेव कर लिया इसको, और अब मैं व्हाट्सएप में अपने जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या इस नाम से कोई मतलब इस नंबर से कोई व्हाट्सएप चल रहा है या नहीं। तो फटाक से मैं देख लेता हूँ, आप लोग का टाइम भी ज़्यादा नहीं लूँगा। तो गाइज इस नाम से मुझे एक मिला तो है मतलब व्हाट्सएप, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं गया है। तो इस पर कहा गया है कि ऑनलाइन आप कॉल करिए, पूरा मैंने आपको सुनाया नहीं, तो अभी मैं कॉल कर रहा हूँ। रिंग जा रही है लेकिन इसका स्पीकर थोड़ा डाउन है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। हेलो, हाँ सर, मैं नमस्ते सर, ये मेरा सर मेरे नंबर पे एक लॉटरी लगा हुआ था 25 लाख का। जी जी, तो सर ये कैसे मिलेगा मुझे? KBC डिपार्टमेंट से जो मैसेज आपको मिला है वो मैसेज इसी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें, और उसके बाद कॉल करें, लॉटरी नंबर चेक करके आपको जानकारी देते हैं। साहब लॉटरी नंबर बना है 55 55। अच्छा अच्छा ठीक है, कर रहे हैं, सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, सेंड करें फाइल, सेंड करें। ओके सर, कर रहे हैं। तो गाइज अभी आप लोगों ने सुना कि वो बोल रहे हैं कि जो वीडियो या फोटो आपके पास गया है KPC डिपार्टमेंट से, वो मेरे पास आप लोग सेंड करिए जिस नंबर पे मैं अभी कॉल किया था, उसके बाद वो बताएंगे कि क्या प्रोसेस है। तो मैं फटाक से क्या करता हूँ पता है, इधर देखो, अब मैं ना उसको सेंड कर देता हूँ वो नंबर मतलब वो फोटो जो भी वीडियो आया था। तो मैं जाता हूँ और ये गाइज मैंने उसको सेंड कर दिया, और फ्रॉड के नाम से मैंने उसका नंबर सेव किया है। अब फिर से मैं उसको कॉल लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने सेंड कर दिया, उसने सेंड करने के लिए बोला था। अब देखते हैं क्या बोलता है, आप लोग पूरा साफ साफ सुनिएगा, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं। देखिए फिर से रिंग जा रही है। देखते हैं क्या बोलते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर भेज दिए। हाँ बिल्कुल, KBC डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल KBC की ओर से 5000 व्हाट्सएप नंबरों का पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ हुआ, जिसमें आपका व्हाट्सएप नंबर शामिल था। आपके व्हाट्सएप नंबर ने 25 लाख का प्राइज विन किया है KBC की ओर से। अच्छा 25 लाख का मतलब मैं जीत गया हूँ, मेरा व्हाट्सएप जी प्राइज विन कर चुके हो। ये अभी आपके बैंक खाता में ट्रांसफर होगा, आपका पैसा कौन से बैंक का खाता है जिसमें 25 लाख अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाएंगे आज की डेट में? साहब स्विस बैंक है जी। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजिए, अपना नेम टाइप करके भेजिए, और अपना एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, नेम और अकाउंट नंबर, ये तीन चीजें अभी सेंड करेंगे। अभी भी आपके नाम का फाइल कंप्लीट करता हूँ। अच्छा। फाइल कंप्लीट करने के बाद आपको सेंड करता हूँ अपने व्हाट्सएप पे, फाइल देखना है, उसके बाद कॉन्टेक्ट करना है, और 25 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा KBC की ओर से। तो सर मैं पहले आपको क्या क्या भेजूँ, आधार कार्ड अकाउंट नंबर
नंबर सर अपना। अच्छा अकाउंट नंबर, हम सोचे आधार कार्ड, आधार कार्ड। अच्छा क्या होता है पता नहीं। नंबर व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजो, नेम टाइप करके भेजो और अपना एक फोटो सेंड करो। ओके अच्छा मतलब ठीक है सर, मैं आपको भेज के फिर कॉल करता हूँ। ठीक है सर, कोई भी बैंक रहेगा चलेगा ना सर। काट दिया फोन। तो गाइस अब मैं क्या करूंगा पता है, मेरे पास एक ट्रिक है। तो इस जहाँ से मैं आपको पढ़ना नहीं है, फिलहाल ये फ्रॉड होते हैं। अभी मैं अगर इनको अकाउंट नंबर दूंगा ना, और जैसे फोटो और आधार कार्ड जो भी ये मांग रहा है, मैं अगर सारी डिटेल्स दे दूंगा अपने पासबुक वगैरह की, तो ये बोलेगा कि अभी मतलब ज़्यादा अमाउंट है तो आपको सिक्योरिटी थोड़ा सा जमा करना पड़ेगा। तो ये आपसे जितना हो सकेगा 500, 1000, 2000, 5000, 8000, 10000 लोग जहाँ से मैं आके सेंड कर देते हैं। एक्सपोज करूंगा इसको मैं आज, और मैं चल रहा हूँ इसमें ना क्या करूंगा पता है, गूगल पे काफ़ी सारे ऐसे पासवर्ड साइज फोटो और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो इसने मांगा है सब चीज़ मिल जाएगी। तो मैं फटाफट से एक एक करके गूगल से लूँगा और उसे क्रॉप करके सब फोटो उसको भेजता हूँ। तो फटाफट से बैंक डिटेल दूसरे का भेजूंगा, फोटो भी दूसरे का ही भेजूंगा जिसका बैंक डिटेल रहेगा, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या बोलता है। ठीक है तो चलो फटाफट से मैं कर लेता हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने क्रोम पे, मतलब क्रोम पे बोल रहा हूँ, गूगल पे चला जाता हूँ। गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं ये वीडियो अपने टेरिस पे बना रहा हूँ, क्योंकि ना घर में उजाला थोड़ा कम है, थोड़ा भी धूप नहीं निकला है, तो मुझे तो यहाँ पे गूगल ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा फ़ोन नहीं है। फ़ोन जिससे रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरा है, तो उस पर आया था तो मैंने शेयर कर लिया था दी वाले फ़ोन पर। तो अब मैं, उसने मांगा है बैंक अकाउंट डिटेल, मतलब कि अकाउंट नंबर या फिर पासबुक। तो मैं पासबुक यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और इमेज पे चले जाते हैं। इमेज पे जाने के बाद गाइज यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पासबुक देखने को मिल रहे हैं, और ये एक पासबुक मुझे मिल गया है जो कि दूसरे किसी नाम से है। उससे अपने को मतलब नहीं, उसमें ना तो पैसा जाना है ना तो कुछ, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और ये गूगल पे है तो मैं इसको श्योरली भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि क्या है पासबुक में, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी का गलती से चला जाए। तो अब मैं इसको स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। तो स्क्रीनशॉट हो गया पहले, अब इसको मैं भेज देता हूँ, उसके बाद उसी फ़ोटो को पहले मैं आपको रुको दिखाता हूँ, मैं फटाक से आपको दिखाता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो ये देखिए मेरे पास ये एक पासबुक है जो कि आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, और इस पर एक फ़ोटो भी लगा है। तो मैं क्रॉप करूंगा और ये पासबुक भेजूंगा और यही फ़ोटो भेजूंगा और इस पर जो नाम लिखा है वही चीज़ भेज के फिर उससे बात करता हूँ। तो चलो मैं फटाक से पहले ये भी काम कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, लेकिन मैंने फ़ोटो को भी क्रॉप कर लिया और उसके मतलब क्या बोलते हैं पासबुक को भी क्रॉप कर लिया। तो अब फटाक से उसको सेंड करते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंडी लग रही है और छत पे ना हवा जैसा चल रहा है, मैंने कान भी नहीं बांधा। सो के उठे मैं बोला पहले आप लोगों को ये वीडियो बना दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गुमराह होकर ना काफ़ी सारी अपनी चीज़ें जो हैं वो ऐसे करके भेज देते हैं और बाद में वो फंस जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि कितने लोग ज़्यादा ज़्यादा पैसे और बहुत कुछ दे के वो बच जाते हैं और कुछ उसका निराकरण नहीं हो पाता है। तो इसमें जो नाम लिखा है वो तो साफ साफ दिख ही नहीं रहेगा। इस तो छोड़ो, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ आदर्श यादव करके। तो अब आप देख सकते हो जो मैंने नंबर उसका सेव किया था वो ये है, मैंने फ्रॉड करके सेव किया है। बाकी यहाँ पे देखिए जो उसने भेजा था, मतलब जो उसने मांगा था, तो मैंने उसको वापस भेज दिया था, और ये पासबुक रहा और ये नीचे पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब मैं उसको दोबारा से कॉल करता हूँ, अब देखिए वो क्या बोलता है। रिंग जा रही है गाइज, फ़ोन कट हो गया। तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो जी, बोलिए सर जी, हम भेज दे है। पाँच मिनट बाद गाइज फोन कट हो गया, वो बोल रहा है कि 5 मिनट वेट कीजिए। अब वो पता नहीं क्या क्या चेक करेगा, अभी फिलहाल इधर से सीन नहीं हुआ है, पहला वाला मैसेज सीन हो गया है। अब इसको देखते हैं कि कब इसका 5 मिनट होता है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं कि इसका 5 मिनट कब होता है। अभी 10:59 हो रहे हैं, यानी 11:05 पे या 4 पे हम लगाएंगे, तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं गाइज। अभी ना 11:03 हो गए, वेट करना पड़ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा रोक दिया, फिलहाल मैं कहीं गया नहीं हूँ। और आज अंजलि ने कैमरा पकड़ रखा है, मतलब मेरा जो फ़ोन है वो पकड़ रखा है, ये मैं दीदी के फ़ोन से ये सब काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन था, तो एक मैं राहुल भैया को दे दिया था, उनका फ़ोन ख़राब हो गया था। तो अब फिलहाल लगभग 11:03 हो गए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रुको मैं स्क्रीन लॉक करता हूँ फिर शायद दिखेगा। तो यहाँ पे 11:03 हो गए हैं और अब हम
एक मिनट और वेट करते हैं, एक मिनट बहुत ज्यादा नहीं होता है। फाइनली 11:04 हो गए, तो मतलब उसके कहने के अनुसार 5 मिनट हो गए, तो हम एग्जैक्ट उसको कॉल लगाते हैं तुरंत। ये देखिए मैंने कॉल लगा दिया और अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। हेलो, हाँ सर बताइए। वेट करें प्लीज, फाइल कर रहे हैं। हाँ सर वेट करें, 5 मिनट वेट करें। सर 5 मिनट तो वेट किया, अभी फाइल कंप्लीट हो रहा है, वेट करें प्लीज। ओके ठीक बस, साहब का इधर तब बतावा जी, वेट 5 मिनट बाद लगाई थे। ठीक बस साहब, तो गाइस फिर से कॉल कट हुआ, मैंने ही काटा। वो बोल रहा है कि अभी 5 मिनट और रुकिए, अभी फाइल कंप्लीट हो रहा है। अभी वो प्रोसेस देख रहा होगा कि किस नाम से आया है और बैंक अकाउंट वगैरह जो डिटेल मैंने भेजा है वो सही भेजा है कि नहीं, वो चेक कर रहा होगा। अभी फिलहाल 11:04 हो रहे हैं, तो हम लोग 5 मिनट बाद फिर लगाते हैं, मतलब 11:09 पे फिर उसको कॉल करेंगे, तब तक वेट करते हैं। तो अब देखिए 11:04 हो रहा है, 11:05 हो गए, तो अब देखते हैं कि 4 मिनट में फिर कॉल करेंगे उसको, देखते हैं कि क्या बोलता है। आप लोग गाइज ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िएगा और कभी भी कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स अपना लीक मत करिएगा या फिर भेजिएगा मत, क्योंकि ये लोग बैठ के ही जो चीज़ें हम लोग नहीं जानते ना उससे ज़्यादा ये लोग जानते हैं। तो ये लोग ना मास्टर माइंड हैकर रहते हैं, आपका काफ़ी कुछ उड़ा सकते हैं, इसलिए आप डिटेल वगैरह मत भेजिए। तो इसलिए मैंने ही दूसरे का भेजा है और आप लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल लास्ट में क्या होता है वो देखते हैं, हो सकता है 25 लाख मिल ही जाए, है ना। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं, रोकते हैं थोड़ा सा वीडियो को, टाइम होने देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फाइनली कहने के अनुसार 11:09 हो गए, मैं एक एक पल की आप लोग खबरें देता रहूँगा और फिर से मैं उसको कॉल करता हूँ, क्योंकि उसके कहने के अनुसार फिर से 5 मिनट हो गए। तो दो बार 5-5 मिनट का उसने ब्रेक लिया और बोल रहा है कि फाइल कंप्लीट कर रहे हैं, अब कौन सी फाइल कंप्लीट कर रहा है वही जाने। तो मैं एक बार और उसको कॉल करूंगा और ये लास्ट बार मेरा कॉल होगा, कि देखते हैं कि वो क्या बोलता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों को लेना नहीं चाहता है, इसमें कोई मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा घाटा ही रहता है। तो एक बार मैं और लगा के देख लेता हूँ यार, जैसा कि मैं पहले ही बोला कि हो सकता है कि 25 लाख मिल ही जाए, एक गांव के लड़के के लिए 25 लाख बहुत होता है यार, 5 लाख आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन काहे के लिए ले रहे हैं। तो चलते हैं और फटाक से एक बार और उसको कॉल कर लेते हैं। तो मैं फिर से कॉल कर रहा हूँ, ये देखिए रिंग जा रही है, तो फिर से उसने कॉल को काट दिया। तो मैं फिर से लगाऊंगा, जब तक वो उठाएगा नहीं अब मैं ट्राई करता रहूँगा, वो देखता हूँ कि उसकी कौन सी फाइल बन रही है, साला चूतिया बना रहा है ऐसे। हेलो, हाँ सर बताइए। सर आप अपना अकाउंट नंबर और अपना नेम व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजो, ओके व्हाट्सएप पे लेके भेजो नेम और अकाउंट। साहब देखा ना क्या लिख के भेजे रहे उथुआ पे पासबुक का, अकाउंट नंबर टाइप प्लीज भेज दीजिए, मैं अभी फाइल क्लियर करके आपको सेंड कर देता हूं। कैसे साहब तू देखन ना पावत है, हम कब कर परेशान है, खेत भरत है ना। आप ना अकाउंट नंबर टाइप करके भेजो, 2 मिनट में फाइल पर चेक करो। अकाउंट नंबर लिख के भेजी, अच्छा साहब ये बताओ हमें ये अकाउंट नंबर वा कई नंबर का रहा था जी, अकाउंट नंबर कई नंबर का रहा था साहब। हिंदी में बात करो यार। हिंदी जैसे साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि अकाउंट नंबर कितने नंबर का रहता है। सर जो आपका अकाउंट नंबर है पूरा अकाउंट नंबर टाइप करके भेज दो, फोन नंबर मैं अकाउंट नंबर अपना अकाउंट नंबर बैंक नंबर। बैंक नंबर साहब 5666 बैंक नंबर हमारा रहा ना, प्लीज व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजो, लिख के भेजो जैसे नाम लिख के भेजा। अच्छा लिख के भेजी जी, ठीक बस साहब रुक जा साहब तुरंत ही, साहब तुरंत ही भेजा था, रुको 2 मिनट। तो गाइस कॉल फिर से कट हो गई और मैंने थोड़ा सा उसको अपने भाषा में बात करने की कोशिश की। पता है क्यों बात करने की मैं कोशिश किया हूँ, क्योंकि ना उसको ये लग सके कि ये कहीं गांव से हैं और मैं जो जो मांगूंगा वो दे सकते हैं। ज़्यादा ही उससे इंग्लिश हिंदी बात करूंगा ना तो वो समझ जाएगा थोड़ा बहुत। तो मैं अब क्या करूंगा पता है, अब उसको रेंडमली अकाउंट नंबर मैं फिर से वही गूगल से निकालूंगा और जिसका नाम रहेगा और जिसका अकाउंट नंबर रहेगा वही मैं दूंगा। तो आप लोग कॉल पे बने रहिए, मैं तुरंत उसको भेज रहा हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि वो क्या बोलता है। तो चलिए फटाक से मैं यहाँ गूगल पे आ गया और अब टाइप करता हूँ अकाउंट नंबर। तो मैंने अकाउंट नंबर सर्च कर दिया तो काफ़ी सारे अकाउंट नंबर मेरे सामने आ गए हैं, तो मैं इमेज में चला जाता हूँ। तो गाइस कभी भी आप लोग फंसना नहीं, और मेरे सामने ना एक अकाउंट नंबर आया है जो कि एक मिनट, मैं ऐसा अकाउंट नंबर लूँगा जिस पर वही नाम शो करता रहे, तो चेक कर लेते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ एक बार उसको झांसा दूँ, कुछ दूसरा ही नंबर भेज दूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं उसको सही भेज देता हूँ किसी दूसरे का। तो मेरे पास एक अकाउंट नंबर आया है
जो कि है बैंक स्टेटमेंट, उसमें लिखा अकाउंट नंबर 012, वो किसी और का है, तो मैं उसको ही कॉपी करता हूँ और उसको पेस्ट कर देता हूँ और देखता हूँ कि वो फिर क्या बोलता है। नाम अपना ही डालूंगा, अकाउंट नंबर किसी और का रहेगा। तो चलिए एक बार उसको फिर से भेज के देखते हैं। इस फ्रॉड के चक्कर में गाइज मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि कभी पड़िएगा मत। यही फ्रॉड नहीं, काफ़ी सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग बच जाते हैं और अपना टाइम देते हैं और वहाँ से कुछ नहीं हो पाता है। तो अब मैं एक बैंक अकाउंट नंबर ले रहा हूँ और उस बैंक अकाउंट नंबर को उसके पास मैं भेजूँगा। तो उसका मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर जाके वहाँ पर टाइप करता हूँ। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और अब मैं उसको टाइप करके भेजता हूँ। तो फटाफट से मैं ये सब काम कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जानकारी भी लेना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप बचेंगे नहीं जल्दी। तो अब मैं उसको मतलब उसके व्हाट्सएप में जाके टाइप कर देता हूँ फटाक से। तो मैं पहुँच गया व्हाट्सएप में। तो गाइस मैंने किसी का नंबर नहीं डाला क्योंकि मैं सोचा हो सकता है कि वो मतलब कि हैकर है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने क्या किया, एक रेंडमली 55, 64, 98, 78 ऐसे ही करके डाल दिया हूँ। दो एक नंबर बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि यार बैंक अकाउंट में कितने नंबर रहते हैं। मैंने तो उससे पूछा, वो बोला कि भेज दो, तो काफ़ी सारे नंबर रहते हैं तो मैं भेज देता हूँ। फिलहाल ये एक नंबर मैंने उसको भेज दिया और नाम अपना भेज देता हूँ, होल्डर नेम। अब देखते हैं वो क्या बोलता है और तुरंत ही उसको कॉल करता हूँ, देखते हैं क्या बोलता है। ठंड इतना ज़्यादा। हेलो सर, वेट करो, फाइल कंप्लीट हो रहा है, वेट करो दो मिनट। साहब सुना, कितने देर सर लगेंगे? अब सर दो मिनट साहब, खेत में सर पैंट मोड़ के हम खड़े हैं, गेहूँ भर रहे हैं जी? गेहूं भर रहे हैं खेत में है सर, कितना दो मिनट करवाएंगे, हमारा पानी वेस्ट जा रहा है सर। दो मिनट आपको बोला, दो मिनट वेट करो। ठीक है साहब, हम खड़ा है, ठीक है, जल्दी करो साहब। तो गाइस उसको मैंने बहकाया कि मैं खेत में मतलब गेहूं भर रहा हूँ, जिससे कि उसको लग सके कि, वैसे वो अभी कॉल करेगा तो मुझे पता है क्या बोलेगा, कि आपका अकाउंट नंबर गलत है क्योंकि मैंने जो नाम दे रखा है वो मेरा नाम है और अकाउंट नंबर मैंने ऐसे ही 66, 67, 78 करके डाल दिया है उसको। तो अब हो सकता है वो खुद आगे से कॉल करेगा या फिर मैं ही लगा लेता हूँ। दो मिनट बोला है तो 11:14 हो गए और मैं, आप लोगों को पता ही होगा कि 10:00 से स्टार्ट किया था वीडियो को, तो इतना टाइम लग रहा है ये सब प्रोसेस होने में। और अगर आप इस चक्कर में पड़ेंगे आपका पूरा दिन चला जाएगा। तो अब एक बार और उसका दो मिनट देख लेते हैं। बाकी उसने सब चीज़ें सीन कर ली हैं, मेरा अकाउंट नंबर वगैरह देखिए, मैं जैसे 55, 64, 78 और क्या डाला हूँ, 98, 063, 72, मतलब जो मेरे मन में आया मैंने टाइप कर दिया है। अब देखते हैं कि उसका क्या रिप्लाई आता है। अभी उसने आगे से कुछ नहीं लिखा है फिलहाल, अब चेक कर लेते हैं। मैंने अपना कुछ भी नहीं दिया है उसको, जैसा कि आप लोगों को बता रहा हूँ मैं एक बार फिर से कि अपना कुछ भी मत दीजिएगा। तो अब देखते हैं उसका क्या रिप्लाई आता है। अभी मैं दो मिनट में फिर कॉल करता हूँ। 11:14 हो रहा था, 11:15 हो गया, 16 पे मैं एक बार और लास्ट कॉल करूँगा उसको, बस देखते हैं कि क्या बोलता है। आप लोग बने रहना वीडियो में। तो गाइज फाइनली मुझे जस्ट अभी अपडेट आया, वहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट नाउ लिखा है और मैंने फ्रॉड के नाम से नंबर सेव किया था तो वो आ रहा है। और यहाँ पे देखिए जो मैंने उसको पासबुक भेजा था उस पर ये देखिए कस्टमर नेम लिख के आ रहा है आदर्श यादव, और अकाउंट नंबर जो भी मैंने डाला था 55, 64, 78 वगैरह ये वो, और बाकी सिग्नेचर वगैरह करके उसने फाइल वगैरह लगा दिया। और यहाँ पे एक तिरंगा भी लगाया कि मतलब अपने इंडिया क्या है, और देख सकते हैं कि वो फोटो भी दूसरे का ही था और वहाँ पे कुछ KBC और Jio वगैरह का कुछ लिख के आ रहा है, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उसको क्या भेजा था। तो ये मैंने रेंडमली एक फ़ोटो भेजा था जो कि इसी पासबुक से था, और ये पासबुक मैंने उठाया था क्रोम से, और देखते हैं कि अब उसको कॉल लगा के क्या बोलता है। यहाँ पे 2023 वगैरह लिखा है KBC, बाकी सारी चीज़ें गारंटी वगैरह ये वो, डियर कस्टमर वी आर गार्ड रिगार्डिंग अकाउंट योर कार्ड फलाना ढिकाना अमड़ा तेमड़ा पता नहीं क्या क्या सब लिखा है। और अकाउंट में देखिए 25 लाख यहाँ पे लिख दिया है उसने, आप लोग को हो सकता है फोकस ना कर पा रहा हो, तो 25 लाख और पता नहीं ड्यू टू फीस, देख सकते हैं आप लोग ड्यू टू फीस शायद यहीं पे आप लोग बस जाते हैं गाइज। गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को ये सब दिखाया, देखिए ये सब अभी मेरे जस्ट फोन पे आया, जस्ट नाउ लिख के आ रहा है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में जो 25 लाख के नीचे लिखा है फी ड्यू टू पे,
8200, मतलब अब यही मेन बात आ गई है कि 8200 अब मुझे उसको देना पड़ेगा। अभी कॉल लगाएंगे ना तो वो बोलेगा कि 8200 आपको पे करना है, जब मैं 8200 पे कर दूंगा ना तो वो नंबर बंद हो जाएगा। तो अभी मैं देखिए उसको कॉल लगाऊंगा तो वो बोलेगा कि इतना ज़्यादा अमाउंट है तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको 8200 रुपये पे करने होंगे। यही फ्रॉड होता है गाइस, यही हम बच जाते हैं और 8200 दे देंगे अगर हम तो वो 25 लाख नहीं, 25 आने भी आपको नहीं मिलेगा और रो के रह जाएंगे 8000 रुपये के लिए। अभी मैं आपको उसके सामने ही फ़ोन लगाता हूँ और देखते हैं कि वो क्या बोलता है, उसके बाद उसको समझाते हैं। तो चलो मैं फटाक से उसको कॉल लगा दिया हूँ। तो ये देखिए कॉल जा रहा है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है, घंटी जा रही है। हेलो, हाँ सर, हेलो बोलिए सर। हाँ सर, फाइल देखा अपना? साहब देखे तब फाइल, लेकिन साहब 8200 रुपये कैसन कहा था ड्यू टू, मतलब हम ना ही समझे साहब। ये सर आपका रजिस्ट्रेशन रिचार्ज फीस है, ये आपको भरना है, भरने के बाद आपका पैसा आपके नाम पे रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर होने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो गाइस मैंने ना 200 भरना है, ये भी आप गूगल से भरोगे, पेटीएम से, फोन पे से? गूगल पेटीएम फोन पे साहब हम चलाइबे ना करी थे। चलो आप ऐसा करें, मनी ट्रांसफर शॉप पे चले जाइए। ये साहब एक काम करना, सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जैसे मुझे 25 लाख मिल रहे हैं, आप उसमें से ले लीजिए 8200 और बाकी पैसे मेरा दे दीजिए। भाई उसमें से नहीं हो पाएगा, उसमें से नहीं हो पाएगा। ये सर आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, ये आपको भरना पड़ेगा, पैसा आपके नाम पे रजिस्टर नहीं है, फीस भरोगे आपका पैसा आपके नाम पे रजिस्टर। सर एक काम करिए सर, आप भी तो काम करते होंगे केबीसी में, सर एक काम कर सकते हैं आप सर 8200 भर दीजिए ना मेरा, मैं सर गरीब आदमी हूँ सर, उसके बाद आप 1 लाख ले लीजिएगा। आपका मेरी बात सुन ले, आपका और मेरा कॉल रिकॉर्डिंग लाइन पे चल रहा है, ऐसे किसी भी कस्टमर का पैसा हम नहीं पे कर सकते हैं, जो विनर कस्टमर है तमाम अपना तमाम। सर एक काम करिए ना सर अपने पापा से बोल के करवा दीजिए प्लीज सर। मेरे पापा को है ही नहीं इतने पैसे। सर 8200 आपके पापा के पास नहीं है? नहीं यार, ऐसे बकवास कुत्ते की तरह नहीं करे। सर चूतिया क्यों बना रहे हैं यार ये बताओ, अच्छा पब्लिक को क्यों चूतिया बनाते हो आप यार? 8200 मैं दूंगा, सुनो 8200 मैं दूंगा, उसके बाद क्या करोगे आप? फोन ओन बंद हो जाएगा आपका, कितना बार चूतिया बनाओगे यार, दो बार मेरा पैसा ले लिए। जो कस्टमर है तमाम विनर कस्टमरों के वीडियो क्लिप आपको सेंड कर रहा हूं, वो देख लीजिए, देखने के बाद मेरे साथ बात करें। सर सुनिए सर, मैं दो बार चूतिया बन गया सर, आप क्यों चूतिया बना रहे हो? मैं दो बार ना, एक बार 4300 कुछ भेजा था कि, हाँ सुनाइए अपनी बात। पहले सर अगर आप नहीं भर सकते हैं तो कंपनी आपको एक मैसेज सेंड करेगी, उस मैसेज का आपने मुझे रिप्लाई देना होगा। पहले आपका पैसा 25 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसके बाद टैक्स पे कर देना। बाद में पे कर सकते हो ना? हाँ अरे सर क्यों नहीं, बाद में तो हम आपको 1 लाख भी दे देंगे अगर 24 लाख मुझे मिलेगा। हमारे ऑफिसर से बात करें, ये आपका पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके दीजिए सर अपने ऑफिसर को, ये बात करो। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है? हाँ सर एकदम क्लियर आवाज आ रही है, बोलिए सर। एकदम क्लियर आवाज आ रही है, ठीक है सर। आपको अभी एक मैसेज किया जा रहा है कंपनी से। अच्छा सर, आपको एक मैसेज आएगा इसी व्हाट्सएप के द्वारा, इसी व्हाट्सएप पे आपका लॉटरी है ना सर? हाँ सर इसी व्हाट्सएप पे हम सवेरे वहां सोई उठे था, 25 लाख का लॉटरी कहत रहा, हम कहे रुको साहब फोन कर ले। जी ठीक है सर, अभी आपको इसी व्हाट्सएप के आधार पे एक मैसेज आ रहा है, वो मैसेज आपने बताना है। अभी चेक करें, आपको कंपनी से एक मैसेज करवा दिया सर। अच्छा सर एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ सर। मैसेज चेक करें, क्या मैसेज आया भैया? सर ये कुछ लिख के आ रहा है, योर व्हाट्सएप अकाउंट रजिस्टर फलाना ढिकाना। हाँ सर साहब, भैंस दुहाई के कहा तो हार गुच्छ गुच्छ करत है, आवाज ये ना आवता सर, आवाज नहीं आ रही सर। बताइए 6 नंबर के आए हैं, जो मैसेज आया है, वेरिफिकेशन कोड आया है, वो बताइए क्या आया है सर? वेरिफिकेशन कोड एक मिनट सर बता रहे हैं हम तुरंत सर, एक मिनट मैसेज में जाने दीजिए। हाँ तुरंत बताइए, कॉल को चालू रखना है, ठीक है? अच्छा कॉल को सर चालू रखना है। हाँ बताइए क्या मैसेज है। अरे साहब हम इतना ही पढ़े हो तो जाने नहीं पावत है, पता नहीं कहाँ चला ससुर। सर 6 नंबर है, जाने नहीं पावत है, जो 6 नंबर आया है वो बता दे सिर्फ। 6 नंबर का आया है सर 86, सर कैसे 86 78 78 49 0, ये तो 5 6 7 नंबर हो गए 49 0। अरे साहब ऐसे कुल लिखा हुआ,
पहले तीन नंबर है, फिर डैश है, फिर तीन नंबर है, वो छह नंबर बताइए सर। एक मिनट सर रुक जाइए, पापा से पूछ के बताता हूँ। पापा से पूछ लेना। हाँ एक मिनट पूछता हूँ, पापा जानते होंगे। बस छह नंबर बताने हैं तो गाइज यहीं पे आपको बचना नहीं, कॉल चालू है, मैंने म्यूट कर रखा है। ये छह नंबर जो डिजिट बताएंगे ना ये ओटीपी है गाइज, ये ना अकाउंट के नंबर से जो मैंने फेक अकाउंट नंबर भेजा ना उससे पैसा खाली करने के चक्कर में पड़ेंगे। अभी मैंने म्यूट किया तो उनको पता होगा, उनको पता होगा कि मैंने म्यूट किया है। अब बोलूंगा कि पापा भी नहीं बता पा रहे हैं सर, फिर से एक बार ओटीपी भेजिए तो देखते क्या बोलते हैं। हेलो 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 बोलो सर। सर सर एक मिनट रुके रहिए, पापा मतलब खेत के उस कोने में है, मैं जा रहा हूँ सर, एक मिनट मैं उनको फोन देता हूँ। सर खेत के उस कोने में जाने की क्या जरूरत है सिर्फ, पापा सर 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 बता दें, पापा के पास जा रहे हैं अभी आप। पापा ही बता पाएंगे सर, मुझे तो इसमें समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि ये फोन ना उनका ही है। सर जो छह नंबर आए हैं सिर्फ वो बताने हैं, ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है ठीक है। अच्छा पहले सर तीन नंबर है, फिर तीन नंबर है, वो छह नंबर बताने हैं बस, जो आपको इन्फॉर्मेशन कोड आया सर। सर लिखिए, बोलिए 8980 एक है पाही। हाँ एक है पाही। एक है पाही क्या मतलब सर, जैसे छह तीन अंक लिखा है, फिर एक पाही दिया है, फिर तीन अंक लिखा है। पाही के आगे क्या है, तीन अंक जो बताइए। पाही के आगे सर घर। पाही के आगे घर। हेलो। हाँ सर यार मुझे बताने ही नहीं आ रहा है। इंसान के बच्चे हो किसी गधे के बच्चे हो, पैसे भी नहीं भर रहे हो, मैसेज भी नहीं दे रहे हो, सीनियर ऑफिसर जिसके साथ मजाक बनाया हुआ है आपने। यार इंसान गधे में मुझे फर्क ही नहीं पता, आप किसके बच्चे हो यार सर। बस साले यार चूतिया बना रहा है यार तू, देखो साले गाली दे रहे हैं गाइस। ये तुम्हारी वीडियो पूरा ना मैं यूट्यूब पे डालूंगा ठीक है। बक मार रख चूतिया साले। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास काफी लोग हैं, देख सकते हैं कि किस नहीं वो वही कर रहा था। तो अब इस नंबर को जो मैंने सेव किया है फ्रॉड करके उसको बहुत मजा आया। इधर दिखाओ, शांत रहो थोड़ा सा। तो गाइस आपको ना ऐसे चक्कर में बजना नहीं है, देख सकते हैं आप लोग कि पहले तो मेरा आवाज वो पहचान नहीं पा रहा था, मतलब पहचानने का मतलब मेरे लैंग्वेज में वो समझ नहीं रहा था, बोल रहा है कि खड़ी हिंदी में बात करो। जब मैंने पूरा देखिए डिटेल निकाला और सारे चीज उसको भेजे, उसके बाद मैंने उसको बताया कि आप फ्रॉड कर रहे हो, उसने बोला कि मेरे बड़े मतलब जो सीनियर ऑफिसर है उससे बात करिए कि पहले आपका 25 लाख जाएगा, उसके बाद आप फोन मतलब कि 8200 भेजिएगा। उसके बाद देखिए कैसी कैसी वो गालियां दे रहा था। तो वो नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आपको साइड में दिख जाएगा जिस नंबर से मुझे कॉल आया था। आप लोग भी चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं और मजे ले सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी बजना नहीं यार। मैंने ये नॉलेज के लिए आपको वीडियो बनाया था, और ऐसा नहीं कि इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे गाली नहीं दिया, ये मैं आप लोगों के जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया। नहीं तो वो जितना गाली दिया ना उससे ज़्यादा तो अब मैं मतलब वीडियो बंद करने के बाद उसको देने वाला हूँ, क्योंकि देने के लिए तो काफ़ी सारे लोग गाली देते हैं लेकिन मुंह पे कोई नहीं दे पाता। अब ये कहाँ से है पता नहीं, अब नंबर वगैरह इसका ट्रेस कराना पड़े तो समझ में आया, वो आप लोग कर लीजिएगा, इतना माथापच्ची मैं नहीं कर पाऊँगा। फिलहाल मैं आपके ना जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, तो वीडियो पसंद आया तो गाइज लाइक कर लीजिएगा। और एक बार मैं फिर से जाते जाते बता दे रहा हूँ कि इन सब चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ, और चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जो भी जानकारी रहता है ना जो लगता है कि मुझे देना चाहिए वो मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल आज का ये व्लॉग नहीं था, तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। सबसे पहले अंजलि को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि ये तुमको नहीं उसको, ये काफ़ी देर तक मतलब मेरा फ़ोन पकड़ के रखी थी, और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर से वॉच करिएगा।